इधर इटावा के सफाई में होली के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के सदस्य मौजूद नजर आए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरह से संविधान मंथन होने जा रहा है। इस मंथन में एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करके बैठे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि होली के साथ साथ चुनाव में भी लगना है। जहाँ हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ये बहुरंगी और रंगों का त्योहार, कई लोगों को रंग नहीं पसंद है, मैं केवल एक रंग पसंद है, केवल एक रंग पसंद है, लेकिन हमारा लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब बहुरंगी होगा, बहुरंगी लोग इसके अंदर। और अगर इतना फूट अपना अपना कर दिया और यहाँ के जाने के बाद भूलना नहीं, अभी तो हाँ कर रहे हो फिर भूलना नहीं, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सभी को मनाना पड़े तो मनाना, और 90% 95% अगर आप उन्हें अपना वोट डाल दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी।